केजरीवाल सरकार की दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की महत्वाकांक्षी योजना पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिससे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को चुनौती देने वाली राशन डीलरों की दो याचिकाओं को मंजूरी दी थी। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घर घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि पिछले साल 24 मार्च को दिल्ली सरकार की कैबिनेट के फैसले के बाद तैयार की गई ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और जन वितरण प्रणाली के आदेश 2015 के प्रावधानों का पालन नहीं करती है। फैसले में पीठ ने ये भी लिखा है कि TPDS आदेश 2015 को NFSA के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की ये योजना TPDS आदेश 2015 और NFSA की धारा 36 के विपरीत है, इसीलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला तेज कर दिया है। तंज कसते हुए दिल्ली बीजेपी के चीफ आदेश गुप्ता ने ट्वीट कर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। ऐसे में आपको बताते हैं कि क्या है डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम। दिल्ली सरकार ने साल की शुरुआत में डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम को लॉन्च किया था। इसमें दिल्ली सरकार की 40 आवश्यक सेवाएं घर पर ही प्राप्त हो रही थी। इसके लिए उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने या किसी एजेंट को अतिरिक्त पैसे खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सरकार ने इसमें 35 सेवाएं और जोड़ी थी। दिल्ली में रहने वाला आम आदमी घर बैठे ही सरकारी सेवा का लाभ उठा सकता है। कैसे सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए अपॉइंटमेंट ले, कौन कौन सी सर्विस का फायदा आपको घर पर मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको इसके पोर्टल पर दी गई थी। बता दें कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच मतभेदों के कारण दिल्ली सरकार की राशन योजना की डोर स्टेप डिलीवरी ठप हो गई थी। ये योजना 25 मार्च 2021 को शुरू होने वाली थी, लेकिन केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 19 मार्च को दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर दो आपत्तियां उठाई थी। हालांकि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने की सशर्त इजाजत दी थी, जिसके बाद दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने 10 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं अब सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगा दी है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।